बिहार शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग की मंशा साफ जाहिर हो चुकी है कि वो बहाली नहीं करना चाहती है। अब करो या मरो की स्थिति अभ्यर्थियों के सामने बनती जा रही है। बता दें, अभ्यर्थियों की एक टीम सचिवालय जाकर प्राथमिक निदेशक से मुलाकात की। बातचीत से पता चला कि काउंसलिंग के डेट के बारे में नाम मात्र की कोई चर्चा नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की। इस परिस्थिति को देखते हुए 8 जनवरी को इको पार्क में एक बैठक है। बैठक में आगे की रणनीति बनाने से पहले प्रधान सचिव से मुलाकात करने पर विचार किया जाएगा। प्रधान सचिव से मुलाकात के बाद 10 जनवरी को एक बैठक आयोजित कर आंदोलन करने की नीति पर विचार किया जाएगा। सरकार अगर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं करेगी तो हमारे सामने सिर्फ आंदोलन करने का विकल्प ही रह जाएगा। बता दें कि विगत 2 वर्षों से बिहार शिक्षक बहाली का मुद्दा अधर में लटका हुआ है। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राजद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार सरकार का रवैया ठीक नहीं है, शिक्षकों से जुड़े मामले को लटकाए रखना चाहती है और अपने ही निर्णय को लागू करने में टालमटोल करती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि तय समय में मेधा सूची प्रकाशित नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है।